लोग बोलते हैं पॉजिटिव सोचो, हमें लोग बोलते हैं अच्छा सोचो, हमें लोग बोलते हैं क्यों बेकार का परेशान हो रही हो, हमें बोला जाता है कि बेकार का डर रही हो, लेकिन कभी कोई ये नहीं सोचता है कि कोई भी जान के डरना नहीं चाहता है, कोई भी जान के नेगेटिव सोचना नहीं चाहता है, कोई भी जान के अपने बारे में बुरा नहीं सोचना चाहता है। हर कोई चाहता है कि वो जीते, हर कोई चाहता है कि वो अच्छा सोचे, हर कोई चाहता है, जबकि पता भी है लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हैं, कि अच्छा सोचने से, जॉयफुल रहने से हम अच्छी चीजें अट्रैक्ट करेंगे। बहुत वर्क भी करते हैं उन चीजों को करने की, लेकिन फिर एक इलास्टिक के रबर के जैसा वापस से वही पहुंच जाते हैं जहां से सारा वर्क शुरू किया था। वापस से वही नेगेटिव स्पाइरल लूप हमारे दिमाग में घूमना शुरू कर देता है। कभी सोचा है कि कुछ और भी हो सकता है इसका कारण? इनफैक्ट कुछ और भी सिचुएशन ऐसी होती है कि कुछ चीजें हमारे कंट्रोल के बियॉन्ड होती है, जैसे कोई चीज है जो परिवार में पुश्त दर पुश्त चला आ रहा है और हम सोचते हैं कि शायद हम इस पुश्त में उस चीज को तोड़ देंगे, बट फिर भी कहीं ना कहीं सेम चीज जो पारिवारिक रिवाज है वो रिपीट होता है। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों है कि कुछ चीजें हमारे कंट्रोल के बियॉन्ड है? आप माने या नहीं माने, हमारे बॉडी हमारे शरीर के अंदर एनर्जीज हैं, और क्या हम मर जाते हैं तो हमारी एनर्जी खत्म हो जाती है? नहीं, ये एनर्जी रूप बदलती है, बिकॉज एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। तो जो चीज क्रिएट नहीं हो सकती और डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती है वो रूप सिर्फ बदलती है, और हम अपने पूर्वजों से डीएनए लेते हैं, जेनेटिक्स लेते हैं, वैसे ही एनर्जी का भी ट्रांसफर होता है हमारे चक्रा सिस्टम में। तो हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने कोई बहुत बड़ा ट्रॉमा सहा होगा, या कोई बहुत डिफिकल्ट लाइफ जी होंगी, वो एनर्जेटिक रूप में हमारे चक्रा सिस्टम में लॉन्च हो जाता है। इसके लिए चक्रा पे वर्क करना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर सोच लिया और वैसे मन के मालिक बन गए तो बहुत आसान है ना लाइफ, लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन जब चक्रा पे काम करने लगते हैं तो धीरे धीरे आप देखते हो कि यू आर एक्चुअली उस हीलिंग तक पहुंच रहे हो, उस अनफोल्डिंग तक पहुंच रहे हो, अपने आप को विजेता बनते हुए देख पा रहे हो। तो मास्टर क्लास लेवल 2 जो है, यानी चक्रा का जो सेकंड पार्ट है, वो और थोड़ा स्ट्रांग होता है, बिकॉज चक्रा लेवल 1 में आपको मैं बेसिक चक्रा सिखाती हूँ जो हर कोई प्रैक्टिस कर सकता है, लेकिन जो चक्रा लेवल 2 है वो स्ट्रांग ज़्यादा है, बिकॉज उसके जो प्रैक्टिसेस हैं वो बहुत कहते हैं गुप्त विद्या है, ज़्यादा लोगों को नहीं बतानी चाहिए, बिकॉज बहुत ज़्यादा पावरफुल है और बहुत जल्दी इफेक्ट लेके आती है जो भी प्रैक्टिस करते हैं उसको। तो नेक्स्ट संडे लेके आ रही हूँ मास्टर क्लास लेवल 2, यानी चक्रा लेवल 2, लेकिन उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लेके आ रही हूँ जो होती है एंसेस्ट्रल हीलिंग। चक्रा लेवल 2 यानी चक्रा लेवल 2 की प्रैक्टिस, चक्रा के प्रैक्टिसेस क्या है वो बताऊंगी, एंशंट आयोग से निकला हुआ, बिल्कुल सेफ लेकिन बहुत ज़्यादा पावरफुल मेथड है, जो आपको देखा जाएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे तो खुद ही समझ में आएगा कि क्यों इतना ज़्यादा इसे गुप्त रखने की कोशिश की गई थी, क्योंकि जो भी चीज तुरंत रिजल्ट लाती है उसको छुपा दिया जाता है ताकि सारे लोगों को ना पता चल जाए। ये चक्रा लेवल 2 है, उसमें चक्रा लेवल 2 की हीलिंग होगी, वो हीलिंग इंपॉर्टेंट है ताकि आप चक्रा लेवल 2 की प्रैक्टिसेस कर पाओ। साथ ब साथ एंसेस्ट्रल हीलिंग होगी, क्योंकि ये जो एंसेस्ट्रल हीलिंग है, हम अपने एंसेस्टर से बहुत सारी चीज लेते हैं, और इस चीज को प्रूफ करने के लिए डॉक्टर डियाज ने एक रिसर्च की थी चूहों के ऊपर। उन्होंने मेल चूहों को एक जगह पे जमा करके एक परफ्यूम स्प्रे करते थे, और जैसे ही परफ्यूम स्प्रे करते थे उनको करंट लगा देते थे। बार बार परफ्यूम की स्मेल के बाद करंट डाला जा रहा था, ये बताने के लिए कि जो परफ्यूम का स्मेल है वो खतरनाक है, और चूहों में परफ्यूम सूंघने के साथ ही स्ट्रेस शूट अप कर जाता था कि अब तो करंट लगेगी हमें। फिर चूहों को निकाल कर फीमेल चूहों के साथ रख दिया गया मेटिंग करने के लिए। जैसे ही फीमेल चूहों के बच्चा हुआ, उन सारे बच्चों को हटा दिया गया, कहीं कहीं इन्फॉर्मेशन पास ऑन नहीं हो गई हो माँ बाप से बच्चों में। लेकिन जब बच्चे थोड़े बड़े हुए तो उनको देखा गया, जैसे ही परफ्यूम स्प्रे किया जाता था, जबकि करंट नहीं लगाया गया था उनको, लेकिन परफ्यूम के स्मेल से ही वो स्ट्रेस रिस्पॉन्स ट्रिगर हो जाता था, जबकि उनको कोई ट्रॉमा नहीं मिला, उनको कोई ट्रोमैटिक एक्सपीरियंस नहीं मिला, लेकिन उनके
पेरेंट्स ने जो ट्रॉमा सहा था वो जेनेटिक के रूप में लॉज्ड हो गया, और ये पुश्त दर पुश्त हम करते आ रहे हैं, और फिर वंडर करते हैं बैठ के सोच के कि मेरे में क्या प्रॉब्लम है, व्हाई एम आई फियरफुल, मेरे में क्या प्रॉब्लम है, क्यों इतना बेकार सोचते जबकि मुझे पता है कि अच्छा सोचना है। लेकिन कभी ये नहीं सोचते हैं कि कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल के बियॉन्ड है, कुछ चीज़ें हमारे एनर्जी पे भी निर्भर करती है, कुछ चीज़ें हमारे अंदर चल रही है, वो हलचल उसको समझना ज़रूरी होता है। और इसके लिए एंसेस्ट्रल हीलिंग बहुत काम करती है, जनरेशनल हीलिंग बहुत काम करती है, बिकॉज बहुत सारे पैटर्न रुक जाते हैं रिपीट होना। जैसे आपको थोड़े दिनों पहले मैंने सक्सेस स्टोरी सुनाई थी जिसमें ऋचा ने बताया कि कैसे उनके फैमिली का जो पैटर्न था कि एक बेटी का घर नहीं बसता है, तो वो ब्रेक हो गया उस एंसेस्ट्रल हीलिंग के बाद। उन्होंने बोला कि उनकी बहन जो नहीं प्रॉब्लम चल रहा था शादी का, वो भी वापस चली गई, तो उन्होंने वो ब्रेक लगाया। एक और सक्सेस स्टोरी है, मैं बहुत जल्द शेयर करूँगी। लेकिन बहुत सारे पैटर्न होते हैं, जैसे अगर माँ की शादी नहीं चल रही है तो बेटी की भी शादी में दिक्कत देखने लग जाती हैं, या फिर माँ ने कहीं गलत रिश्ता अट्रैक्ट किया या फादर गलत है तो देखेंगे बेटी को भी वैसे ही गलत लड़कों के साथ दोस्ती या ऐसा रिश्ते में पड़ जाते हुए अनसक्सेसफुल, या फिर एक बहुत सारे घरों में होता है कि एक शादी अनसक्सेसफुल होती ही होती है। मेरे घर में एक पैटर्न है कि एक भाई शादी करता ही नहीं, हर जनरेशन में वो शादी का पैटर्न चला आता है। तो आप अगर उन पैटर्न को बिना हीलिंग के तोड़ने की कोशिश करोगे, बिना हीलिंग के उनकी पकड़ के शादी करवा भी दोगे कि पैटर्न टूटती है, तो भी मैंने कई एक बार देखा है कि पकड़ के शादी करवा भी दिया गया तो भी शादी टूट जाती है, शादी नहीं चलती है, वो घर नहीं बसता है। इसके लिए जब आप किसी भी चीज़ को एनर्जेटिक रूप में क्लियर करते हो तो उसका प्रभाव बहुत अच्छा होता है, उसका रिजल्ट बहुत लंबे समय लॉन्ग लास्टिंग होता है, और एक जनरेशन नहीं आने वाली कई एक जनरेशन तक उसका असर रहता है। तो आने वाले संडे को 12:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से ला रही हूँ मास्टर क्लास लेवल 2, जहाँ पे मैं सिखाऊंगी एडवांस चक्रा प्रैक्टिस कैसे करनी होती है, आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए, आपको इनर चाइल्ड हीलिंग के लिए जो जर्नल तैयार किया जाता है वो कैसे किया जाता है, क्या सही तरीका है इनर चाइल्ड हीलिंग जर्नल को करने का लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग। साइकोलॉजिकल इनर चाइल्ड हीलिंग के लिए तो बहुत कुछ लिखना पड़ता है जर्नल में जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन सपोर्ट नहीं करता, तो कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से आप इनर चाइल्ड हीलिंग जर्नल कर सकते हो। साथ ब साथ आपको ये एंसेस्ट्रल हीलिंग प्रोवाइड की जाएगी। तो जो भी आ रहे हैं इस सेशन में, आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि एक कैंडल या दिया या अगरबत्ती, तीनों में से कोई एक चीज़ लेके आइएगा, पेन पेपर लेके आइएगा, कुछ भी लिखना होगा आपको, चाहे इनर चाइल्ड हीलिंग के नोट्स वोट्स लिखने होंगे तो वो बताऊंगी। आपको चक्रा लेवल 2 के जो प्रैक्टिसेस है उसके नोट्स मिलेंगे, तो उसके नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं कि आप अगर एक दिन का वेबिनार करोगे तो आप समझ नहीं पाओगे, उसमें बहुत क्लियरली सारे नोट्स मिलेंगे। आपने अगर चक्रा लेवल 1 पहले किया है लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो रेगुलर, तो भी आप आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको चक्रा लेवल 2 से भी वापस प्रैक्टिस रीस्टार्ट कर सकते हो। अगर लेकिन अगर आपने चक्रा लेवल 1 किया ही नहीं है तो आप चक्रा लेवल 2 का फायदा नहीं उठा पाओगे क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। तो बुकिंग ऑन हो गई है मेरे वेबसाइट revthi.com.au पे, या फिर नवदीप को नीचे मैसेज कीजिए इस नंबर पे, वो आपकी मैनुअल बुकिंग भी कर देंगे। ये इस साल का लास्ट चक्रा 2 मास्टर क्लास है, तो जिन लोगों को ज्वाइन करना है प्लीज ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज अब ये नेक्स्ट 6 मंथ्स में नहीं आने वाला है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।